हेलीकॉप्टर से कोशिश की, वापस जाना पड़ा, अब गाड़ी से आए और काफी लोगों को यहाँ कष्ट हुआ, जो दूर दूर से आए थे उनको वापस जाना पड़ा। आप जानते हो कि कर्नाटक में जो सरकार है वो चोरी की सरकार है। सबसे पहले वो सरकार आपने नहीं चुनी थी, बीजेपी के लोगों ने पैसा देकर एमएलए खरीद कर वो सरकार चोरी की। उसके बाद हर काम में बीजेपी ने 40% कमीशन लिया, तो इसको हमें 40% सरकार कहना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि ये 40% देते हैं, प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। हमारी सरकार आने वाली है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और ये भी तय है कि बीजेपी को 40 नंबर बहुत अच्छा लगता है, 40 नंबर से इनको प्यार है, मोहब्बत है, इसीलिए कर्नाटक की जनता इनको 40 सीटें देगी और कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीट मिलेगी। 3 साल इन्होंने चोरी की, 40% कमीशन लिया। आपको याद होगा जब 371J की बात हुई तो अडवाणी जी ने, वाजपेयी जी ने कहा कि नहीं किया जा सकता, और जैसे ही हमारी सरकार आई हमने वो काम कर दिया। और आपको हजारों रोजगार इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स बनने का ये अपॉर्चुनिटी मिली। और सच्चाई ये है कि बीजेपी की सरकार 371J को इम्प्लीमेंट नहीं करती है। 4 करोड़ रुपए आपके लिए एलोकेट किया गया है, सिर्फ 12% इस्तेमाल किया गया है। 50,000 रोजगार जो आपके हैं आज वेकेंट पड़े हैं, हम इन 50,000 रोजगार को भरेंगे। स्पेशल एजुकेशन जोन पॉलिसी यहाँ आपको देंगे, जिससे IITs और IIMs भी यहाँ आए, और 5,000 करोड़ रुपए हम इस रीजन के लिए एलोकेट करेंगे। हर ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। गृह लक्ष्मी 2,000 रुपए हर महीने हर महिला को। गृह ज्योति 200 यूनिट बिजली मुफ्त में। अन्न भाग्य 10 किलो चावल हर परिवार के मेंबर को। युवा निधि 2 साल के लिए 3,000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स को और 1,500 रुपए हर महीने डिप्लोमा होल्डर्स को। और आखिरी और नया वायदा, 5वां वायदा, महिलाओं के लिए फ्री ट्रैवल पब्लिक बसेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। ये काम बीजेपी नहीं कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये काम नहीं किया जा सकता, वो सही कह रहे हैं, बीजेपी के शासन में ये काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीजेपी की सरकार 40% चोरी करती है, और जो सरकार 40% चोरी करती है वो ऐसे वायदे कर नहीं सकती। हमारी सरकार गरीबों की, छोटे व्यापारियों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार होगी। आज बारिश में दूर दूर से आए आप, भीगे, आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कम से कम 150 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी पैसे से, भ्रष्टाचार से सरकार को चोरी करने की कोशिश करेगी। उनके एमएलए ने कहा कि बीजेपी में एक चीफ मिनिस्टर का पोस्ट 2,500 करोड़ में बिकता है, उनको आप 40 सीटें दीजिए, कांग्रेस पार्टी को 150 दीजिए, और गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की सरकार बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।